छोटा सा है, ऐसा ना करो। क्या हो गया है? मारा था आपको और कोई भी नहीं मारेगा। अच्छा मेरा अच्छे मोरा गोलू गोलू हो ना, प्यारे से हो ना, कितने प्यारे से हो मेरे प्यारे वर्षी है। मेरा बहुत अच्छा मोरा है, इसकी मेरे साथ दोस्ती हो गई है। ये अब डरता नहीं है क्योंकि मैं इसको पराठे खिलाती हूँ सुबह सुबह, इसलिए ये खुश होता है। सोजो सोजो मेरे मन्ने सोजो। अब मैं आपको आजाद कर दूँ, जा रहे हो छोड़ दूँ। चलो चलो रोटी खाओ गई, चलो मैं आपको रोटी खिलाती हूँ। चलो चलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह का आज कर रही हूँ, मैं अपनी मुर्गियों को रोटी खिला रही हूँ क्योंकि मेरी मुर्गियाँ जो हैं वो पराठा खाती हैं सुबह सुबह। जो पराठा हमसे बच जाता है मैं अपनी मुर्गियों को खिलाती हूँ। इधर से लो, आजो 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 आजो, खाओ खाओ पराठे खाओ। ये वाइट कलर जो मुर्ग है ना, ये अब ठीक हो गया, इसकी जो जख्म था वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बड़ा भी हो गया है, इसकी टोपी जो है ना बड़ी होती जा रही है, लेकिन अभी ये अजान नहीं करता है। वो बड़ा वाला मुर्ग जो है वो अजान करता है, ये नहीं करता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये आज मैं मूली को काट रही हूँ, इसको मैं सुखाऊंगी क्योंकि ये जब सूख जाएगी तो इसकी जो सालन है बहुत अच्छी तरह बहुत मज़ा करती है, खास करके जब गोश्त में डाल के हम पकाते हैं तो बहुत मज़ा करती है। तो अब मैं इसको काट के इसका वो हार सा बनाऊंगी, तो इसको मैं धूप में रखूंगी, जब वो खुश हो जाएगी फिर मैं इसका सालन बनाऊंगी। तो वैसे भी सर्दियाँ जो है मूली है वो ज़्यादा नहीं खाई जाती है, ठंडी होती हैं, सलाद में तो हम जो खा ली है। अब इसका मैं हार बना के धूप में लटकाऊंगी, फिर इसका हम सालन बनाएंगे। ये मैंने अब हार बना लिया इसी तरह, अब मैं इसको धूप में लटकाऊंगी कुछ तकरीबन, अगर धूप लगे तो 4-5 दिन में ये खुशक हो जाएंगी। जब खुशक हो जाएंगी तो वो इसको मैं शीशे वाले जार में डाल दूंगी। जब मैं गोश्त बनाना हो, चिकन वगैरह या बीफ वगैरह बनाना, तो उस पर चंद पीस इसके डाल दो तो बहुत मज़े का सालन बनता है। तो अब इसको मैं तार के साथ लटकाऊंगी। नहीं खाते हो? खा लो। ये ऐसी चीज़ किधर खाती है? ये खाती है डबल रोटी पराठा, खा लो। नहीं खाती हो तो फिर क्यों मांग रही हो? हाँ फिर क्यों मांग रही हो? हाँ किचू किचू, हाँ क्या क्या लेना है? ये नहीं खाना है? हाँ पराठा बना दूँ, पराठा खाओगी? डबल रोटी तो खा ली है आपने, भूख लगी है अभी? कीचू जाओ, हाँ म्याऊ, आजो 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 आजो, खाओ खाओ। ओए सारा छीन के ले गई है, अब इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, मेरे हाथ से छीन के ले गई है ना, ये अब लटकी रहेंगी इस पे। आपने कुछ भी नहीं खाया? ये बड़ा वाला मुर्ग तो कुछ भी नहीं खाता है, पता नहीं क्यों नहीं खाता है। अब ये मुर्गियां खाने लग जाती हैं तो ये बिल्कुल नहीं खाती है। आ जाओ खा लो, कुछ खा लो, भूखे रह जाओगे। ये अब जो मुर्गियां खाने शुरू हो जाती हैं, अल्लाह जाने इसको क्या हो जाता है, ये खड़ा रहता है बिल्कुल ही, रोटी नहीं खाता है। या तो ये कह रहे हैं कि ये खा ले, मैं खैर है मैं भूखा रह जाऊँ तो कोई बात नहीं है। ये जो दरख्त है ना, इसकी टहनियाँ हमने सब काट दी हैं बकरी के लिए, ये काफ़ी बड़ा था तो, लेकिन ये हमारी जो बकरी है ना वो इसके जो पत्ते हैं बड़े शौक से खाती है। हर दरख्त के पत्ते नहीं खाती है बकरी, कोई कोई दरख्त जो होता है उसके पत्ते जो है ना बकरी बड़े शौक से खाती है।
तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा इस बकरी ग्रेवी पे खत्म कर दिया, काट गया सारा। आज ये मैं आपके साथ दिखा रही हूँ, मैं आपको मुकम्मल इसकी व्यू दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल गंजा हो गया है। तो अभी ये मौसम बाहर आएगा, फरवरी के महीने में इसकी जो नई टेढ़ियाँ हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये ऐसे दरख्त है ना कि बकरियाँ शौक से खाती हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, कभी धूप निकल जाती है तेज, कभी बादल आ जाते हैं, सूरज के ऊपर छा जाती हैं, लेकिन फिर भी कल से मौसम काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आज मौसम जो है ना बहुत ही बेहतर है, बस हम कोशिश करते हैं धूप निकला है, हम जब धूप निकला जाती है हम फौरी बैठ जाते हैं धूप में कि हम ज़रा धूप से ले लें ताकि हमें थोड़ा सा सुकून आ जाए। बहुत सर्दी थी। आज मेरी बकरी को ज्यादा भूख लगी हुई है, जबरदस्ती मुझसे छीन छीन के खा रही है। सबर करो शहजादी, सबर करो। आज मेरी बकरी को ज्यादा भूख लगी हुई है, ऐसी खा गई पूरी रोटी, खा गई मिनटों सेकंडों में। मेरी शहजादी भूख लगी है, अभी और रोटी बना दूं? हाँ? अब रोटी नहीं खाओगी, घास खाओगी शहजादी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, फजल करे। अल्लाह ताला हम सबको रहमतों के साए में रखे। बहुत सारे दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।